इसराइल और हमास में छिड़े जंगी हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां इसराइल की फिलिस्तीन के आतंकी संगठन पर जारी सैन्य कार्रवाई को अमेरिका जायज ठहराते हुए हर संभव मदद का ऐलान कर चुका है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल पहुंचकर बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। इन सभी घटनाक्रमों के बाद से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के हौसले बुलंद हैं। इस बीच इजरायली सेना को और धार देने के लिए अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा हथियार देने का फैसला किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया कि अमेरिका ने एक मरीन कॉर्प्स जनरल समेत अन्य सलाहकारों को इजरायल भेजा है। अमेरिका ने साफ किया है कि ये सैन्य अधिकारी युद्ध की योजना बनाने में मदद करेंगे, हालांकि अमेरिकी अधिकारी मौजूदा युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अमेरिकी सैन्य दल का नेतृत्व करने वाले 3-स्टार मरीन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लिन को इसराइल भेजा गया है। जेम्स ग्लिन के पास आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने का भी अनुभव है। आईएस के खिलाफ जंग में उन्होंने विशेष अभियान बलों की सहायता की थी। ग्लिन इराक के फालूजा में भी युद्ध लड़ चुके हैं, जिसे सबसे गर्म शहर युद्ध कहा जाता है। दुश्मन की कमर तोड़ने वाली योजना बनाने के साथ साथ वे कोलैटरल डैमेज को भी कम करने की योजना बनाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि ग्लिन और अन्य सैन्य अधिकारी अनुभवी हैं। सभी के पास युद्ध और सैन्य अभियान का पर्याप्त अनुभव है। ईरान सक्रिय रूप से हमलों को बढ़ावा दे रहा है। ईरान ही दूसरों को उकसा रहा है। ईरान संघर्ष का फायदा उठाना चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना फिलहाल जमीनी हमले के लिए तैयार नहीं है। इसे लेकर अमेरिका के सामने भी चिंता जता चुकी है। दावा है कि इजरायल के पास गाजा में हमास को खत्म करने के लिए फुल प्रूफ प्लान की भी कमी है। उसके पास कार्रवाई करने की योजना नहीं है। माना जा रहा है कि ग्लिन इजरायल को युद्ध में नागरिक हताहतों की संख्या को कम करने के बारे में भी सलाह देंगे। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका ने इसराइल को हथियारों से लेकर आर्थिक मदद मुहैया कराई है। अमेरिका ने अपने कई सैनिक इसराइल भेजे हैं। बीते दिनों अमेरिका का एक विमान बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप लेकर इसराइल पहुंचा था। अमेरिका ने हाल ही में पूर्वी भूमध्य सागर में दूसरा सबसे बड़ा जंगी जहाज आइजनहावर भेजा था। इससे पहले अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को भेजा था। इसके अलावा अमेरिका ने कई मिसाइलें भी इसराइल पहुंचाई हैं। अमेरिका से मिली मिसाइलों को इसराइल गाजा बॉर्डर पर तैनात किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसराइल अमेरिका की मदद से गाजा पर भीषण हमला करने की तैयारी कर रहा है।